आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क इन टर्म्स ऑफ पाई दैट सबटेंड्स एन एंगल 72 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्किल व्होज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब यहां पे जैसे सर्किल बना है, दिस इज सपोज ये एक सर्किल है, ठीक है। तो इसमें जो ये सेंटर है, ये सेंटर है। अब इस यहां कोई आर्क है, सपोज दिस इज आर्क, ये एक आर्क है। तो इस आर्क का नाम, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है। दिस इज आर्क, सपोज दिस इज आर्क, ये सेंटर है सी, ओ इज द सेंटर, यहाँ पे सेंटर ओ और ये आर्क है। तो ये सेंटर पे 72 डिग्री का एंगल बना रही है, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना कि सबटेंस एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर, तो सेंटर पे 72 डिग्री का एंगल बना दिया। इसकी लेंथ सपोज किया एल सेंटीमीटर है, एल सेंटीमीटर ए सी, मतलब ए सी की जो लेंथ है, आर्क ए सी, ये सपोज किया एल सेंटीमीटर है। तो हमें यही एल की एल निकालना है। तो बिकॉज हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, बिकॉज एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, वेयर एल इज लेंथ लेंथ ऑफ एन आर्क दैट सबटेंड्स द थीटा एंगल एट द सेंटर एंड हियर थीटा इज इन रेडियन, यहां जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है, एंड हियर आर इज रेडियस दैट सर्किल, ये सर्किल की रेडियस होती है आर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे L इक्वल टू आर थीटा ही फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे आर होगी सर्किल की रेडियस, थीटा होता है ये आर, दिस इज आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्किल, एंड जो थीटा होता है यू सबटेंड, थीटा एंगल सेंटर पे बनता है, सेंटर पे, एंड थीटा इज इन रेडियन में होता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री, बिकॉज 180 डिग्री जो वैल्यू होती है वो होती है पाई रेडियन के बराबर होती है, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, ये जानते हैं। इसलिए 1 डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन, ये हो जाएगा 1 डिग्री की वैल्यू। बट हमें एंगल कौन बना, 72 डिग्री का एंगल है, इसलिए 72 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी वो पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 72 डिग्री, इतना रेडियन में हो जाएगी। तो अब इसको जब फर्दर जब कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे बिकॉज फर्दर ऑब्जर्वेशन ये हो जाएगा 36 into 35 से कैंसिल होगा, 36 into 5, और ये हो जाएगा 36 into 2, तो ये 36 into 2 72, और ये 36 into 5, तो यहाँ 5, तो ये टोटल में बन 2π/5 रेडियन। यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू आ गई 2π/5 रेडियन में आ गई। अब फॉर्मूला लग जाएगा एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। अब आर की यहाँ वैल्यू पता होनी चाहिए, यहाँ पे वैल्यू है आर, द रेडियस इज आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10 into 2π/5। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 है इधर 5, और ये 2 से जाएगा, 5 into 2 = 10, तो ये हो जाएगा 4π सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क या ए सी आर्क की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 4π सेंटीमीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।